दोस्तों साल 2023 में रिलीज हुई सिलियन मर्फी की ओपनहाइमर मूवी दुनिया की तीसरी सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी मानी जाती है। इस मूवी के लिए उन्हें इस साल 7 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि किसी भी सिंगल मूवी के लिए सबसे ज्यादा है। मूवी में जे रोबोट ओपनहाइमर की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है कि वो अपने जीवन काल में कैसे फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाने जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इसी मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन को लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस मूवी को 21 जुलाई 2023 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था, जिसने अपने रिलीज के मात्र 2 महीने के अंदर ही $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर ली थी। आप यहां इस मूवी के शूटिंग के समय एक्ट्रेस सिलियन मर्फी को देख सकते हैं कि वो किस तरह से रॉबर्ट ओपेनहाइमर के किरदार को निभा रहे हैं। इस मूवी में बिजनेसमैन लेविस स्ट्रेस का रोल को एक्टर रॉबर्ट डोनी जूनियर ने प्ले किया है, और आप यहां इस मूवी के शूटिंग के समय उन्हें अपने सीक्वल की शूटिंग करते हुए अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों 90s के समय में लेविस स्ट्रॉस अमेरिका के फेमस बिजनेसमैन में से एक थे, जिन्हें 1946 में अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के रूप में अपॉइंट किया गया। इसके बाद से अमेरिका में जितने भी एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण किया जाता था तो लेविस स्ट्रॉस उन सब में शामिल रहते थे। लेकिन फिर 1949 में अमेरिका में कोल्ड वॉर छिड़ जाता है, और उस समय में रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के लिए सीक्रेट तरीके से एटॉमिक बॉम्ब पर परीक्षण कर रहे थे। और इसी समय में लेविस स्ट्रॉस का रॉबर्ट ओपेनहाइमर से मुलाकात होती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर एटॉमिक बॉम्ब के परीक्षण में लग जाते हैं। मूवी के काफी सारे सीन को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है, और इसे बनाने से पहले इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान का यह कहना है कि ये लगता ही नहीं था कि वो इतने आसानी से इस मूवी को बना लेंगे, लेकिन आईमैक्स कैमरे और कुछ हाईली टेक्नीशियन के हेल्प से उन्होंने इस मूवी को बेहद ही आसानी तरीके से बना लिए। ओपेनहाइमर मूवी के मोस्टली सीन को अमेरिका के न्यू मेक्सिको और लॉस एलामोस जैसे लोकेशन पर शूट किया गया है। विकिपीडिया के अनुसार इस मूवी के जितने भी आउटडोर वाले सीन्स है उसे घोस्ट लोकेशन पर शूट किया गया है, जो कि अमेरिका की वन ऑफ द फेमस रियल टाउन में से एक है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर दोनों ही अपने समय के सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट माने जाते हैं, लेकिन आइंस्टीन और ओपेनहाइमर दोनों की सफलता की कहानी काफी अलग अलग है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी, लेकिन वही जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एटॉमिक बम की इन्वेंशन को लेकर जाने जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन रॉबर्ट ओपेनहाइमर की इंटेलिजेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड थे, और शायद इसलिए जब एक बार रॉबर्ट ओपेनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टीन के पास अपनी मदद के लिए आए थे तो आइंस्टीन उन्हें मदद करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ओपेनहाइमर अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी के लिए एटॉमिक बम बना रहे हैं तो आइंस्टीन उन्हें हेल्प करने से मना कर दिए, और ये बताया कि ये वेपन दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन ओपेनहाइमर ने अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, और जब 1949 को एटम बम दुनिया के सामने बनकर तैयार हुई तो इसे उस समय में चल रही वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए परीक्षण किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जान गंवा दिए, जिसके बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी से इस्तीफा दे दिए, और वो अल्बर्ट आइंस्टीन के पास जाकर अपने इस काम के लिए माफी मांगने लगे। जिसमें आप यहां इस मूवी के शूटिंग के समय अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के कुछ कन्वर्सेशन को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों चूंकि ये मूवी फादर ऑफ एटम बम रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है, इसलिए इसके हर एक सीन में न्यूक्लियर टेस्टिंग सीन को दिखाया गया है, जिसमें आप यहां देख सकते हैं कि इस मूवी के शूटिंग के समय रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने टीम के साथ मिलकर परमाणु बम की परीक्षण कर रहे हैं। दोस्तों इस मूवी में एक्ट्रेस इमिली ब्लंट रॉबर्ट ओपेनहाइमर की वाइफ के रोल में नजर आई है, जिनका असल नाम कैथरीन ओपेनहाइमर रहता है, और आप यहां इस मूवी के बिहाइंड द सीन में इमिली ब्लंट और सिलियन मर्फी को एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों जब यह मूवी बनाई जा रही थी तो यह किसी को भी आइडिया नहीं था कि यह अपने बॉक्स ऑफिस पर हिट हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन जब जुलाई 2023 में इसे रिलीज किया गया तो यह दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक पर एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन की, और शायद इसकी यही सफलता के कारण इसे इस साल 7 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो दोस्तों ये थी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर बनी फिल्म ओपेनहाइमर के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपने इस मूवी को देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। बाकी के जल्द ही मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसे ही मूवी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।